हुशियारपुर आ गया, उतरो उतरो। मैडम हुशियारपुर आ गया, उतरो। मैडम उतरो उतरो, हुशियारपुर आ गया। अब तक तो मुझे किसी ने नहीं पहचाना, मगर जब शेर से घुसूंगी तब कोई ना कोई जानकर जनवरा जरूर मिल जाएगा। बस वहां मुझे कोई ना पहचाने। और इसी वक्त मेरे साथ वापस चल रही हूं। नहीं, मैं जिस काम के लिए आई हूं वो करके ही लौटूंगी। मैं ऐसे का मैम से बात करके ही वापस जाऊंगी। तुम्हें पता भी हम कहां और शारपुर है। मेरा मतलब है आपकी इज्जत, आपका नाम मेरी वजह से उछाला जाएगा और मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आप कोई भी मुसीबत में पड़े। ज़्यादा बोलने वाली लड़कियाँ बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ हाँ मालूम है, मालूम है कि आपके ख्याल बाबा आदम के जमाने के, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं अपना सारा काम आपकी पसंद के हिसाब से करूँ। अरे गेट 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 चाबी छोड़ो।
नीतू। नीत, तुम्हें चोट तो नहीं है ना? नहीं, मैं ठीक हूँ। नीत, तुम जब जब मेरे साथ होती हो ना, तब तब मैं किसी न किसी मुसीबत में होता हूँ। साथ सुनाने की कोई जरूरत नहीं, और वैसे भी मैंने आपसे नहीं कहा था मेरे पीछे पीछे आने के लिए। की हो गया सत्रीकाल जी, आप पहचाना नहीं? पुणे और तवा रोटी दाल देखा कुड़ी, अब पता चला कितना दिलवाला है मुंडा। ओ आप अजी, हमारी पहचान के हैं जी, बड़े ही अच्छे दोस्त हैं। रिश्तेदार जी, मेरे रिश्तेदार हैं। लेकिन आप लोग यहाँ कैसे? वो भी इतनी रात गए अकेले। तुम तो इनकी सेक्रेटरी हो ना? नहीं बहन जी, अब ये मेरी मंगेतर है। मुझे तो ये जोड़े रापे पर बहुत जीत गई थी जी। भाई साहब, वो एक्सीडेंट हो गया, तो यहाँ पे भाई साहब कोई मैकेनिक मिलेगा क्या? भाई साहब चिंता मत करो, जब तक अगर बदला जिंदा है नो टेंशन। ऐसा जी, हम सब लोग जा रहे कठोर के बरात में, तो जहाँ इतने बराती वहाँ दो और सही, क्यों नहीं भाई साहब? इस वक्त इस इंसान रास्ते में रहने से अच्छा तो यही होगा कि हम इनके साथ चलें।